नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10-10 हजार रुपए की जुर्माना सुनाई है। बताया जाता है कि लातेहार जिला के रहने वाले कैमल अंसारी ने अपनी बेटी रजी खातून की शादी कराई थी। लड़के वालों की तरफ से दहेज की मांग को लेकर हमेशा रजी खातून के साथ मारपीट किया जाता था। एक दिन अचानक से सरवर अंसारी ने फोन कर अपने ससुर को बोला कि आपकी बेटी की ट्रेन से कटकर हत्या हो गई है। मगर जब उस स्थान पर ससुर कैमल पहुंचा तो वहां पर उसकी बेटी कहीं नहीं दिखाई दी। मगर जब जोबांग स्थित बेटी के ससुराल पहुंचा तो उसकी बेटी की एक पैर कटा हुआ खाट पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके बाद इसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई। इसकी आज लोहरदगा व्यवहार न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दहेज हत्या, लाश छिपाने और दहेज मांगने के आरोप में सरवर अंसारी और कैमुल अंसारी को आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आज जवान थाना कानपुर के 18 में ADJ 3 श्री अरविंद कुमार 2 के द्वारा सरवर अंसारी और कैमुल अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। संक्षेप में मामला यह है कि कैमुल अंसारी, जो लातेहार थाना का रहने वाला था, अपनी बेटी रोजी खातून की शादी कैमुल अंसारी के बेटे, जो कि जवांग थाना का रहने वाला है, सरवर अंसारी के साथ किया था। शादी के कुछ दिनों के बाद दहेज की मांग वो करने लगा, जो कि उसके पिता देने में असमर्थ थे। इसी बीच एक दिन उसे फ़ोन पर खबर आई कि रोजी खातून ट्रेन से कटकर मर गई है। जिस स्थान पर बताया गया वहाँ पर जाने पर वहाँ कुछ भी नहीं मिला, तो वह जोबांग थाना में अपने बेटी के ससुराल आ गया। उसने लाश को आंगन के बाहर पड़ा हुआ देखा और उसने थाना में जाकर एक केस किया। उसी कांड में दहेज हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 498A दहेज मांगने के आरोप में और 201 लाश छुपाने के आरोप में 3 साल की सजा और 10,000 रुपये का फाइन किया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।